प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का जबरदस्त विरोध हुआ। वॉशिंगटन डीसी में लोग सड़कों पर उतरे। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने और अल्पसंख्यकों के साथ मानवाधिकार के हो रहे उल्लंघन को लेकर बैनर और पोस्टर बनाए, साथ में ब्लैक लाइव्स मैटर के नारे लगाए। मानवाधिकार संगठनों ने अमेरिकी संसद में मोदी के जॉइंट सेशन का जमकर विरोध किया। मोदी के अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन का कई सांसदों ने बॉयकॉट किया। इनमें इल्हान ओमर, रशीदा तलैब, अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्टेज, कोरी बुश, जमाल बोमन, समर ली और क्वायसी एम फुमे शामिल हैं। इन सांसदों का कहना है कि भारत में मानवाधिकार का लगातार हनन हो रहा है और मोदी सरकार उसको रोकने के बजाय चुप है। The protection of the Muslim minority in a majority Hindu India. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान बहुसंख्यक हिंदू भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करता तो कहता कि यदि आप भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं तो इस बात की पूरी आशंका है कि भारत अलग थलग पड़ सकता है। If you do not protect the rights of ethnic minorities in India. राजस्थान के अलवर में मस्जिद जलाने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बीजेपी नेता भी शामिल हैं। आरोप है कि 20 जून को दोपहर 3 बजे भीड़ इकट्ठा हुई और मस्जिद में आग लगा दी। इस दौरान जय श्री राम का नारा भी लगाया गया और मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी भी की। ठाकुर लोगों ने सर मारपीट करी, हमारी लिंक काट दी सर। उत्तर प्रदेश के एटा में दलित के साथ अत्याचार का एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां दबंगों ने पेड़ काटने को लेकर एक दलित युवक को बेरहमी से मारा पीटा और उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। पति को मार खाता देख जब गर्भवती पत्नी बचाने आई तो दबंगों ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया। सर 3 दिन हो गए थाने में, रोज आते हैं, तब तहरीर दिए, हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया है सर। लड़ाई बढ़ चुकी है अभी, कोई सा लड़ाई ना। दो मुस्लिम युवक जुनैद और नसीर की हत्या का मुख्य आरोपी और हिंदू आतंकी मोनू मानेसर सोशल मीडिया पर लगातार अपने वीडियो डाल रहा है। इन वायरल वीडियो में हिंसा करते हुए भी दिखाया जा रहा है, फिर भी बीजेपी की पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि मोनू फरार है और पुलिस की पहुंच से बाहर है। फर्स्ट एग्जाम था वक्त उतारो बोल के बोले, बुरखा अलाउ नहीं है बोल के बोले। आज सेकेंड एग्जाम है तो जब भी बोले बुरखा अलाउ नहीं है बोल के। हिजाब का मामला अब तेलंगाना में भी गरमाने लगा है। हैदराबाद में प्रशासन ने मुस्लिम छात्राओं को हिजाब के साथ परीक्षा हॉल में जाने पर रोक लगा दी। मुस्लिम छात्राओं को जबरन हिजाब उतरवाए गए और उसके बाद परीक्षा हॉल में दाखिल होने दिया गया, जबकि पहले से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उत्तराखंड के हरिद्वार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ हिंदू गुंडे एक मुस्लिम परिवार को गंगा तट से जबरन भगा रहे हैं। गुंडे कह रहे हैं कि गंगा तट मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है।